हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक साड़ी में कुछ इस तरीके का मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल होना तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस लुक को हमने कैसे क्रिएट किया है। काफ़ी ईजी तरीके से इस लुक को मैंने क्रिएट किया है, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मेकअप से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ब्लैक साड़ी में मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर इस लुक को आप कहीं भी करके जाओगे ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखोगी। और यहाँ पे मैंने ज्वेलरी नहीं वेयर की है। जब आप इस तरीके का हैवी मेकअप करते हो, यानी कि अपनी आई इतनी ज़्यादा हैवी, यानी कि ब्लैक स्मोकी आई प्लस ब्लैक साड़ी और इस तरीके का मेकअप लुक क्रिएट करते हो, तो आप ज्वेलरी भी पहन लोगे तो बहुत ज़्यादा ओवर लगेगी। पास कोई भी इयररिंग हो, लॉन्ग इयररिंग हो, तो इस लुक के साथ बहुत ही अच्छे से जाएगी। तो मैंने यहाँ पे गोल्ड और रेड कलर का मल्टी, गोल्ड और रेड कलर का मैरून, तीन कॉम्बिनेशन की एयरिंग पहनी है, जो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जा रही है, आप देख सकते हो। और सिंपल से मैंने लुक क्रिएट किया, एक बिंदी और सिंदूर। आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि इस लुक को आप ज़रूर क्रिएट करें। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरी थोड़ी भी अच्छी लगती हो ना, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करिए प्लीज़। और मैंने देखिए दो तरह की इस पर चूड़ियाँ डाली हुई हैं, एक तो प्लेन चूड़ियाँ हैं और एक तो वेलवेट वाली जो चूड़ी है वो चली है। तो इस तरीके का लुक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखेगा अगर आप करोगे तो, वाकई में। तो चलिए, खुद ही मुँह मियाँ मिठू बन रही हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ क्या गुड वाइब्स का टोनर। सबसे पहले मैं आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी। आई मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ अनवाइबे का कंसीलर। अच्छे से ही पूरे ही आईलेट के ऊपर, यानी कि आईब्रो के नीचे तक आपको लगा लेना है। एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अपने कंसीलर को सेट कर लेना। आपको आज मेरा कंसीलर ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल क्लीन दिख रहा होगा ना, आज इसे मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश किया है। बाद मैं लूँगी बेबी पाउडर कंसीलर को सेट करने के लिए, एक्स्ट्रा निकालते हुए। आप बहुत ही अच्छे से क्लीन दिखेंगे। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं अपने ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे क्लीन करती हूँ, तो कॉमेंट कीजिएगा, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ले रही हूँ विल्टन वाइट का पैलेट और मैं उसमें से ये ब्राउन वाला सेट पिक करूँगी, अस्टा निकालते हुए हल्का सा विक लाइनर की तरह इस तरीके से आपको कर लेना हल्के हल्के से। फिर यहाँ से इस तरीके से हल्के हल्के ब्लेंड करते हुए आपको ले जाना है आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक, हल्का सा ये आपको लगाना है बस। और इसके बाद मैं काजल ले रही हूँ लैक्मे का। मेरा काजल आप तो जानते हैं मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसको हम अच्छे से पूरे आईलेट में लगाएंगे धीरे धीरे से, जल्दबाजी मत कीजिएगा, हल्के हल्के हाथ से अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और एक रेड ब्रश लूंगी और अच्छे से ही मैं इसको हल्के हल्के से ब्लेंड कर लूंगी। ये देखिए, और एक थोड़ा सा विक लाइनर शेप दे दूंगी इसी से हल्का सा। मैं ब्लैक वाला शेप पिक करूंगी, हल्का सा इस पर अप्लाई कर लूंगी, थोड़ा थोड़ा सा लेके, हल्का हल्का सा लेके आपको अप्लाई करना है, इकट्ठे नहीं लगाना वरना अजीब दिखेगा, है ना। तो इसके बाद फिर थोड़ा सा मैं पफी ब्रश लूँगी, हल्का सा ब्लेंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ एनवाइवी का लाइनर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम मैं इसी लाइनर को यूज़ कर रही हूँ। अगर आप स्मोकी ब्लैक स्मोकी आई कर रहे हो ना, तो आप स्किप भी कर सकते हो लाइनर, बट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैंने सेम ब्लैक वाला सेट पिक किया और इसी से मैं अपनी आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ। और एक ब्रो कॉम लूँगी, उससे अपनी आईब्रो को सेट कर लूँगी, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा है ना वो निकल जाए। और फिर वही लैक्मे का काजल, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और इसको हल्के से ब्लेंड आउट करेंगे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लूँगी जो ब्राउन वाला सेट हमने सबसे पहले पिक किया था ना, उसी को लेकर हल्का सा हम ब्लेंड आउट कर लेंगे, फिर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्लिटर लाइनर वाइट कलर का, काफ़ी अच्छा है, इसको हल्के से लगा ले रही हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी में थोड़ी सी वाइट स्टोन लगे हुए हैं इस वजह से। और ऑल टाइम फेवरेट लैक्मे का मॉइस्चराइजर, इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे अपने पूरे ही फेस पे, ये बहुत ही अच्छा है। फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। जैसा कि आपको पता है कि ये सिलिकॉन बेस में है, जब भी आप फाउंडेशन लगाओगे ये अच्छे से ब्लेंड आउट कर देता है, तो बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद हमने लिया मेबलिन फिटने फाउंडेशन 230, मेरा सेड है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये, कवरेज भी अच्छी खासी देता है। तो इसको अच्छे से हम ब्लेंड आउट करेंगे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जो है मेरा ब्लू हेवन का।
तो यहाँ पर मैं बाहर हूँ, पेड़ है तो पेड़ की छाया है ना इधर उधर होती है ना, तो कैमरे का फोकस भी ऐसी हो जाता है। अब हम करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए मैंने लिया एनवाइवे का कलर करेक्टर और मेरा शेड साइज 7 है, ये मुझे याद नहीं है। और इसके बाद गोल्डन 3 मैं लूँगी जिससे मैं हाईलाइट करूँगी, और जो है एनवाइवे का। अब इन सभी को अच्छे से हम ब्लेंड आउट करेंगे। पहले हम अपने कंसीलर को ब्लेंड आउट करेंगे, ये देखिए इस तरीके से सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरीके से हल्के हल्के से ब्लेंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से आपको ब्लेंड आउट कर लेना है, काफ़ी अच्छा ब्लेंडर है ये। और इसके बाद हम कॉन्टोर को ब्लेंड करेंगे दूसरे साइड से, है ना, देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड कर दे रहा है। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। और नोज़ को तो आपको पता ही है कि मैं फिंगर की हेल्प से ही करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लिया लैक्मे का कॉम्पैक्ट, इससे हम अपने पूरे फेस को सेट कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया ना। और अब हम लगा रहे हैं क्या, ब्लशर। ब्लशर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप मेकअप करते हो ना, तो पिंक पिंक आपके चिक तो दिखने ही चाहिए, तो इस तरीके से मैंने ब्लशर लगा लिया है। अब मैं करूँगी इनर कॉर्नर को हाईलाइट। हाईलाइट के लिए मैंने लिया हाईलाइटर के लिए सीज ब्यूटी का पैलेट, इसी से मैं अच्छे से हाईलाइट कर ले रही हूँ, ठीक है, अपनी आईब्रो के नीचे और चिक पे और नोज़ पे, हर जगह हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हाईलाइटर, सॉरी हाईलाइट, हाईलाइट बोल रही यार, हाईलाइट मैं लगा रही हूँ। एनवाईबी की लिपस्टिक, मेरा शेड है 18, बुलेट लिपस्टिक है। और इसके बाद मैं लगाऊंगी हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक, बहुत ही अच्छी है, बट इसका शेड इसमें नहीं रहता इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, इसके लिए सॉरी। और यहाँ पर मैंने लगा लिया अपना सिंदूर, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अब बिंदी। और यहाँ पे मैं कोई भी नेकलेस या हैवी ज्वेलरी नहीं पहन रही क्योंकि मेरी जो साड़ी है काफ़ी ज़्यादा हैवी है। इसके साथ मैंने एयरिंग डाल ली है जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है और मल्टी कलर में बहुत ही प्यारी लग रही है। अब भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, ये मेरी बहुत ही पुरानी वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ओके, बाय बाय।